सो हे गाइस, आज हम फिर से खेलने वाले हैं पोकेमॉन ब्लैक टू। एंड अगले एपिसोड में यार मैं यहाँ से एक हिडन आइटम लेना भूल गया था, सो आज इसको ले लेते हैं। यहाँ पे एक स्टार डस्ट है, सो इसको हमने ले लिया। अभी हम जल्दी से चलते हैं यहाँ से, ठीक है ना। सो जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। एंड मैंने तो यार रिपेल करके रखा है, तो यार पोकेमॉन एनकाउंटर नहीं होंगे। सो यहाँ पे बाइसिकल ऑन कर लेते हैं, और अभी हम जाने वाले हैं रिलिक कैसल में, ठीक है ना। तो चलो जल्दी से चलते हैं रिलिक कैसल। ओके, इतना भाई इतना ज़्यादा यहाँ पे तूफान आया है क्या भाई, इतना ज़्यादा बोल रहा है। इन दोनों से बात कर लेते हैं, यानी यहाँ पे तो बाइसाइकिल बहुत काम नहीं आने वाला, तो यहाँ पे हम हट मतलब पैदल जाने वाले हैं। ओके, यहाँ से हम रेल कैसल जा सकते हैं। सो जल्दी जल्दी से चलते हैं। ओके, इनसे बात करते हैं। ओके 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 ओके, सब कुछ नहीं दे रहे हैं ये लोग, पर देखते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पे हम रेलिक किसल के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले इस लड़की को हराते हैं, सो हराता हूँ उसे मैं, ठीक है। ओके गाइस, हमने इसको हरा दिया है, एंड अभी ये हमें हील करेगी। सो अच्छी बात है यार, ये हमें अभी हील करेगी। एंड यहाँ पे आसपास मेरे जितने भी ट्रेनर्स हैं उनको हराता हूँ मैं। ओके, रिपेल ख़त्म हो गया, तो रिपेल उस करते हैं। ये भी बैटल करता है क्या, देखते हैं। ओके, ये बैटल नहीं कर रहा है। सो देखते हैं, यहाँ पे हिडन आइटम है एक। सो कहाँ है ये हिडन आइटम, देखते हैं। ओके, यहाँ पे है, तो ले लेते हैं इसको। स्टार पीस था इस पर। सो ओके, यहाँ पे बहुत सारे हैं भाई, बट यहाँ पे एक लड़की है, तो इस लड़की को हराता हूँ और मैं वापस से आता हूँ। सो गाइस, हमने इसको यहाँ पे हरा दिया है, और ये हमें रोस्ट बेरी दे रही है, अच्छी बात है। और मैं अपना यार डिबोट यहाँ पे मतलब वो हो गया है, बर्न्ड हो गया, तो हील करा लेते हैं यहाँ पर। ओके, बढ़िया, ये तो हील कर रही है यहाँ पर, जो अच्छी बात है यार। और देखते हैं, यहाँ पर एक पुकी बॉल है, तो इस पुकी बॉल को ले लेते हैं यहाँ पर। येलो शर्ट था इस पर, अच्छी बात है। और ये भी बैटल कर जाएगा क्या। ओके, ये हमें यहाँ पे सॉफ्ट सेंट दे रहा है। ओके ओके, फाइट नहीं कर रहा है, जो अच्छी बात है। ग्राउंड टाइप मूव्स के वो बढ़ जाता है, तो हम इसे ज़रूर देंगे। और यहाँ पे एक पुकी बॉल है, सो पुकी बॉल नहीं, हिडन आइटम है एक। सो कहाँ पर है, ओ भाई पोकेमॉन कैसे इनकाउंटर हो रहा है भाई, सुपर रिपेल यूज़ करके रखा है ना मैंने। ओके, हमसे ज़्यादा लेवल का है क्या, 19 लेवल का है, और हमारा ये भी 19 लेवल का ही है। सो पोकेमॉन क्यों इनकाउंटर हुआ भाई, क्योंकि रिपेल तो यूज़ करके रखा है हमने, पता नहीं यार। पर यहाँ पर इसे ले लेते हैं, यहाँ पर इस पर था सुपर रिपेल, अच्छी बात है यार, सुपर रिपेल मिला हमें यहाँ पर। और देखते हैं यहाँ पर और कितने बंदे हैं। यहाँ पर भी एक पोकी बॉल है, और ये रेलिक कैसल है, बट अभी यार जितने भी ट्रेनर्स हैं यहाँ के आसपास उनको यार हराता हूँ, उसके बाद ही मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। सुपर रिपेल यूज़ करते हैं, और ये फाइट कर रहा है, इसको हराता हूँ मैं जल्दी से। ओके गाइस, हमने यहाँ पर इसको हरा दिया है, और यहाँ पे एक हिडन आइटम है, सो इस हिडन आइटम को लेते हैं। बता नहीं कहाँ पे, यहाँ पे है क्या, कहाँ पे है भाई। ओके, यहाँ पर है, चाहिए ग्राउंड जेम मिला हमें यहाँ पर। तो मैं यार सब कुछ यार जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक और ट्रेनर है, तो इसको भी हराता हूँ यार जल्दी से। तो आ जा भाई, सो हराता हूँ इसे भी। ओके गाइस, हमने इसको भी हरा दिया, और यहाँ पे एक हिडन आइटम है, तो इस हिडन आइटम को ले लेते हैं, जिस पर था एक रेड शर्ट। और आगे ये भी आई थिंक फाइट करेगा, तो इसे भी फाइट करता हूँ और आता हूँ वापस से, ठीक है। आई थिंक ये फाइट नहीं करेगा, नहीं कर रहा है फाइट। ओके, अच्छा है भाई, फाइट नहीं कर रहा है तो अच्छा ही है। और देखते हैं यहाँ पे और कोई ट्रेनर वगैरह है क्या। ओके, यहाँ पे पोकी बॉल है, तो इस पोकी बॉल को ले लेते हैं। इस पर नगेट था, नगेट यार सेल करके अपन बहुत ज़्यादा पैसे ले सकते हैं। और ओके, यहाँ पर आई थिंक ये बैटल करेगी। ओके, तो इसको भी मैं हराता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे अपना पीडोफ यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ट्रैंक्विल पर यार इवॉल्व हो जाएगा, जो यार मैं चाहता था, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है भाई ये। एंड यहाँ पर ये बन चुका है ट्रैंक्विल, ठीक है ना, ये बहुत कूल लग रहा है भाई ये। एंड फाइनली ये हमें मिल चुका है। और ओके, यहाँ पे देखते हैं और क्या है यहाँ पे। सो रिपेल आई थिंक मैंने यूज़ नहीं किया, तो ऐसे यार ख्रास में जाना मतलब यहाँ पे आना नहीं है, ठीक। सो सुपर रिपेल यूज़ कर लेते हैं, एंड उसके बाद अपन घूमने वाले हैं। सो ड्राउजिंग मशीन ऑन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम जा सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी एक ट्रेनर है, और ये भी बैटल कर रहा है, तो इसको भी हराता हूँ मैं। ओके गाइस, हमने यहाँ पे इसको हरा दिया है, और देखते हैं यहाँ पे और कोई हिडन आइटम है क्या।
सो यहाँ पर एक पोकी बॉल है, सो इसको ले लेते हैं। मैक्स इधर था इस पर और देखते हैं यहाँ पर। ओके यहाँ पे एक हिडन आइटम है और यहाँ पर है एक फायर स्टोन। एंड यार अगर हम फायर स्टोन अपने ग्रावलित को देंगे तो यार वो बन जाएगा आर्कनाइन, जो यार मैं दूंगा ओबियसली, बट इस एपिसोड में नहीं दूंगा। बट यहाँ पे ये भी फाइट कर रहा है तो उसको भी हराता हूँ मैं फटाक से। ओके गाइस हमने यहाँ पर इसको हरा दिया और यहाँ पे से हम इस पोकी बॉल को ले लेते हैं जिस पर रेड शर्ट था। एंड आई थिंक इसको हमने हरा दिया था, यस हमने इसको हरा दिया था। और यहाँ पे पोकेमॉन एनकाउंटर हो रहा है यार, चेयर बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एक ट्रैपिंच, सो ट्रैपिंच को यार मैं नहीं पे करने वाला बिकॉज अपने ट्रैपिंच यार बहुत स्लो पोकेमॉन है भाई, बहुत स्लो है ये, इसलिए यार किसी भी काम का नहीं है। मतलब काम का बहुत है बट ये बहुत ज़्यादा स्लो है इसलिए मैं इसका यूज़ नहीं करता, बट ये बहुत पावरफुल पोकेमॉन है। सो यहाँ पर हिडन आइटम है, सो इससे भी यार मैंने फाइट कर लिया था, नहीं किया था, सो इसको भी हराता हूँ मैं जल्दी से। ओके गाइस हमने इसको भी हरा दिया है और यहाँ से हिडन आइटम को ले लेते हैं। ओके इससे ब्लू शर्ट था एंड देखते हैं यहाँ पे और भी कोई ट्रेनर है क्या या फिर नहीं है, सो देखते हैं। एंड मैंने यार इसको हरा दिया था यार, जब यार मैं पोकेमॉन हील करने के लिए आया था तो यार मैंने इसको हरा दिया था, तो ये बैटल मैंने पहले ही कर लिया था। सो स्टारडस्ट, सो देखते हैं यहाँ पे और भी कोई कुछ है क्या। सो यहाँ पर तो मैं पहले भी आ चुका हूँ तो यहाँ पे कोई काम नहीं है, मतलब ओके वहाँ पे एक पोकेबॉल दिख रहा था, इस पोकेबॉल को लेते हैं। वहाँ पर था ब्लू शर्ट, ओके बहुत सारे शर्ट हैं यहाँ पर। सो अभी मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी हिडन आइटम है, तो इससे भी मैंने फाइट कर लिया था, यस। तो मतलब अभी सिर्फ बचाई है रेलिक कैसल, तो रेलिक कैसल के अंदर यार हम इंटर कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं भैया। ओके ओके यहाँ पे तो हम नहीं जाएंगे बिकॉज यहाँ पे जाएंगे तो ऑब्वियसली हम गिर जाएंगे नीचे। सो देखते हैं हराते हैं भाई से। ओके ये बैटल दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ये बैटल दिखा देता हूँ। सिजल्फ यूज़ कर रहा है भैया, 23 लेवल का सिजल्फ। सो मैं अपना डीबॉर्ड को निकाल लेता हूँ बिकॉज और कोई पोकेमॉन तो उसके सामने सुपर इफेक्टिक नहीं है बिकॉज अपने पास यार नहीं है इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन। तो डीबॉर्ड से हराने की कोशिश करते हैं, एयर कटर देखते हैं कितना डैमेज भरता है। ओ हो उतना ज़्यादा डैमेज नहीं भरा बट फिर भी क्या हम बक टाई ये ए हो माय गॉड अपना डीबॉट यहाँ पे फेंट हो गया, तो ये बैटल टफ़ होने वाला है इससे, ये बैटल टफ होने वाला है बिकॉज अच्छा खासा ट्रेनर लग रहा है भाई ये। इस पर एयर कटर यूज़ करेंगे अपन, पर ये हम पर एयर कटर यूज़ कर रहा है भाई, इतना ज़्यादा डैमेज कर रहा है भाई एयर कटर से। सच में यार इतना ज़्यादा डैमेज तो नहीं बनना चाहिए, मतलब इसे हराने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है बिकॉज एयर इतनी बहुत ज़्यादा पावरफुल है भाई। एंड हमारे दो पोकेमॉन फेंट कर दिए भाई इसने, एंड अभी क्या है अपने पास, कुछ भी नहीं है। युकारियो तो ऐसे ही मर जाएगा इसके सामने, सो हम कैसे हराएंगे भाई इसे मुझे नहीं पता। सो कोई कटाई करना पड़ेगा बिकॉज एयर कटर से तो ये वैसे भी मरने वाला है, यस बचने नहीं वाला भाई ये। वो बच गया वैसे, ओ माय गॉड लुकारियो इज द बेस्ट ब्रो। ओके एयर कटर इस बार अवॉइड कर दिया, इसी यही पावर है भाई लुकारियो का, इसलिए लुकारियो मेरा फेवरेट पोकेमॉन में से वन ऑफ द फेवरेट पोकेमॉन है ये बिकॉज ये किसी को भी हरा सकता है भाई अपना लुकारियो। हरा दिया भाई, बढ़िया भाई बढ़िया, लुकारियो लेवल 23 का भी हो गया यहाँ पर। एंड यार मैं मतलब सेंडाइल लेवल 22 का हो गया, एंड सेंडाइल क्या सीख रही है, एम्बार्गो पता नहीं क्या करता है बट मैं नहीं सिखा रहा यार, नहीं सिखा रहा एम्बार्गो क्या करता है पता नहीं, अगर आपको बताया तो यार कमेंट कर देना क्या करता है ये मूव। ओके गाइस मैं यार फटाक से पोकेमॉन को हील करके लाता हूँ बिकॉज फेंटेड पोकेमॉन के साथ तो यार मैं नीचे नहीं जा रहा, सो मैं फटाक से पोकेमॉन को हील करके आता हूँ। सो गाइस हम वापस से आ चुके हैं, चलते हैं नीचे, नीचे क्या देखते हैं। ओके नीचे एक और ट्रेनर है तो यार मैं इसको भी हरा देता हूँ, ठीक है मैं वीडियो पोस्ट करवाई वीडियो ये बैटल यार मैं नहीं दिखा रहा। ओके गाइस हमने इसको भी हरा दिया और यहाँ पे रॉक टॉम्ब है तो इस रॉक टॉम्ब को ले लेते हैं यहाँ पर, मतलब इसको। और यहाँ पर कुछ वो है, मतलब अगर यार बैकग्राउंड में नॉइस रहते यार सॉरी, पर यार हमारे यहाँ बारिश हो रही है ना तो यार वो हो रहा है थोड़ा सा। नीचे चलते हैं, नीचे क्या है वो देखते हैं, ठीक है ना, तो नीचे देखते हैं क्या है।
ओके तो यहाँ पर एक हिडन आइटम है, तो इसी हिडन आइटम को ले लेते हैं। इस पर हार्ड स्केल था और यहाँ पर भी यार एक ट्रेनर है, तो इसको भी हराता हूँ एंड वापस से आता हूँ। ओके गाइस हमने इसको भी हरा दिया। और यहाँ पे कोई हिडन आइटम है क्या? नहीं है और हिडन आइटम। सो चलो यार अभी आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम निकल जाएंगे। एंड फाइनली हमने रेलिक केसल को भी एक्सप्लोर कर लिया है। एंड मैं ये वीडियो यहाँ पर ही एंड कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में यार हम जाएंगे निम्बासा सिटी की तरफ। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड पीस आउट।